पेड़, खेत और गांव में प्रदर्शन कर रहे ये किसान अपने नुकसान की भरपाई के लिए सरकार को नींद से जगा रहे हैं। मध्य प्रदेश में मौसम की ऐसी मार पड़ी कि किसान की कमर ही टूट गई। भारी बारिश और ओले गिरने की वजह से किसानों की लहलहाती फसल बर्बाद हो गई। केवल इतना ही नहीं, बड़े बड़े ओलों ने किसानों के घरों तक को तोड़ दिया, जिसकी वजह से कई किसान बेघर हो गए हैं। लगभग 300 ग्राम के ओले गिरे, जो बड़े बुजुर्गों ने भी जिंदगी में पहली बार देखे। कुदरत ने अपना कहर किसानों पर ऐसा बरसाया कि बारिश और बड़े बड़े ओलों ने किसानों की फसल को चौपट कर दिया। खेतों में ओलों की चादर बिछ गई, जिसकी वजह से खेत में खड़ी गेहूं की फसल गिर गई। सीहोर के आसपास के गांवों में ओलों ने बहुत तबाही मचाई। पशु से लेके जानवर, घरों के कबेलू तक सब कुछ तबाह हो चुका है। इस तरीके की यहाँ भीषण ओलावृष्टि हुई है। किसान चाहता है कि सरकार इस आपात स्थिति में उसकी मदद करे। मेरी फसल गेहूं, चने 90-80% खराब हो जाने के कारण मैं बर्बाद हो चुका हूँ। अचानक ओलावृष्टि होने के कारण 80-90% नुकसान हो गया है। हम बहुत परेशान हैं, हमारा क्या होगा आगे। किसानों के खेत में खड़ी चना, गेहूं, मसूर की फसल गिर गई, जिसकी वजह से फसल खराब हो गई। किसानों का कहना है कि अब तो जो फसल बची है उसका दाम भी नहीं मिलेगा, और तो और इस खराब फसल का भूसा जानवर भी नहीं खाएंगे। मतलब सरकार की तरफ से कोई आया? कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया, कोई ना गड़ा आया, ना पटवारी आया, कोई अधिकारी, कोई नहीं आया। फसल पूरी खराब हो गई है? हाँ, पूरी खराब हो गई। अच्छा, मोदी जी 2000 रुपए दे रहे हैं, जो वो 2000 रुपए वो तो आते हैं 2-3 महीना में, उससे क्या फायदा मिल रहा है? कोई फायदा नहीं, 2000 में क्या फायदा मिल रहा है। अच्छा, अब क्या चाहते हो आप? कम से कम फसल की बीमा मिलना चाहिए, फसल की वर मिलना चाहिए, मालिक की मार हो गई। अच्छा, गेहूँ आड़ा हो गया है क्या? हाँ, गेहूँ आड़ा हो गया, धरने भी चल गए। अच्छा, हाँ, तो अभी गेहूँ काला हो जाएगा क्या? हाँ, गेहूँ काला हो जाएगा, लाल पड़ जाएगा। और दाम मिलेगा नहीं मिलेगा? दाम नहीं मिलेगा, आधी कीमत हो गई गेहूँ की। अब हमेशा पर्दे में रहने वाली गांव की महिलाएं भी इस आपदा के बाद खेत में पड़ी खराब फसल को लेकर थाली बजाने लगी। उनका यही कहना है कि घर बचा नहीं, फसल बची नहीं, अब क्या थाली में खाएं और क्या बच्चों को खिलाएं। हालांकि मौसम की मार के बाद किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि किसान के खाते में जमा हुई, लेकिन किसान का कहना है कि ये तो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। ऐसे में किसान के नुकसान की जल्द भरपाई कर बीजेपी की मोहन सरकार किसान को कुछ राहत जरूर दे सकती है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।